ये जनाब कोई होगा यहाँ से 2 किलोमीटर मेरा ख्याल है जहाँ पे हमने जाना है। ये आपको नज़र आ रही होगी एक खूबसूरत सी बिल्डिंग। कोशिश कर रहा हूँ कि वादे तौर पे मैं दिखा सकूँ। ये यहाँ पे हमने जाना है और अभी हम यहाँ पे तो आज मुझे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का वो कॉल याद आ रहा है कि आपने घबराना नहीं, क्योंकि जाना तो है लेकिन घबराए बगैर जाना। तो दुआ कीजिए कि हम घबराए बगैर वहाँ पर पहुँचे और वहाँ से फिर पैदल भी आना है। तो ये है जनाब है बड़ी इमाम सरकार का जी चिल्ला का, और यहाँ पे पाकिस्तान भर से दुनिया भर से अकीदतमंद आते हैं और पहले उधर जाते हैं या इधर आते हैं ये नहीं पता, लेकिन हम पहले इधर जा रहे हैं। और मैं तो आज पहली दफ़ा जा रहा हूँ, लेकिन सुन रखा है वहाँ पे पत्थर का एक जो भी है जिन भी है पत्थर का जो हो चुका है वो भी आपको दिखाया जाएगा। एक जिन था जिसके बारे में बता रहे हैं वो उड़ता रहता था, रोता रहता है। आंखों से अभी भी पानी बरस रहे। जाके हम आपको दिखाएंगे कि हजरत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह जिनका मज़ार इस्लामाबाद में है ऐवान सदर की बैक साइड पे, लेकिन उनकी जो चिल्ला गाह है उसका मंजर अभी हम आपको थोड़ी देर तक दिखाएंगे। वो है तकरीबन 2-2.5-3 किलोमीटर दूर है, और ये हम पैदल जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वैसे तो लोग जूते उतार के भी पैदल जाते हैं, और हम ये पक्का रोड है, ये आप देख सकते हैं ये बनाया गया है क्योंकि आगे फिर बस्ती भी है, और आगे कहाँ तक ये पक्का रहता है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन सुनने में आया कि पहले ये पक्का नहीं था और फिर भी लोग इसी तरह हकीकत से उस जगह पर जाते थे जहाँ पर हम जा रहे हैं, और जाकर अपनी मन्नतें मुरादें बताते थे। और ये देखें जी पक्का ख़त्म हो गया, थोड़ी देर के लिए शायद पक्का ख़त्म हुआ कि फिर पक्का है, लेकिन ये कच्चा है, और जब बारिश होती होगी तो ये रास्ता बंद हो जाता होगा, और जब ज़्यादा बारिश आती होगी तो शायद ये डूब भी जाता होगा क्योंकि ये रास्ता जो है वहाँ जाता है, तो इसलिए हम तो इसको फॉलो करेंगे। आज बारिश नहीं है, मौसम धूप थी थोड़ी सी लेकिन अब वो ख़त्म हो गई है, इस वक्त मौसम जो है वो प्लेजेंट है। अभी हम जहाँ से गुजर रहे हैं पीछे एक हुसैनी क्या था जी हुसैनी लंगर हुसैनी लंगर खाना था वहाँ पे, वो भी हमने देखा, और उधर से गुजरते हुए पीछे आबादी भी गुजरी, एक गांव था छोटा सा, उसको क्रॉस करते हुए हम ये भी आपको दिखा दें कि इधर भी आबादी है, और क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो है लेकिन केबल्स वगैरह वाला सिलसिला नहीं है, तो लोगों ने डिश एंटीने रखे हुए हैं, वो देखें जब हम छतों के ऊपर डिश एंटीने मौजूद हैं, लोग जानना चाहते हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। ये मेरे इधर लेफ्ट साइड पे भी एक घर है, उसके ऊपर भी डिश एंटीना रखा हुआ है, तमाम घरों पे यहाँ पे डिश एंटीनास ये देखे जा सकते हैं, क्योंकि लोग आगाह रहना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। और ये जो लोग हैं ये तो इस्लामाबाद से भी कुछ तकरीबन 3-4-5 किलोमीटर अंदर की तरफ एक गाँव के अंदर बैठे हुए हैं, और ये इस रास्ते से आते हैं जिस रास्ते से हम आ रहे हैं। हमारे लिए तो ये शायद एडवेंचर हो, लेकिन इनके लिए ये मामूल की बात है, ये रोज़ाना जहाँ भी होंगे काम कर के ख़त्म, तो इन्होंने यहीं पे आना है और यहाँ पे अपनी बाकी की जो टाइम है वो स्पेंड करना है। हमें यहाँ जाना है, ये आपको बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, हमें यहाँ पे जाना है। और जैसे जैसे हम जा रहे हैं शुरू में तो हमें फील हुआ कि हम थक रहे हैं, लेकिन अब तजस्स भी है कि वहाँ पे हमने पहुँचना है, और लगन भी है कि हम एक तरफ मंजिल की तरफ चले हैं तो उसको अबूर करना है, तो अब हम थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे, तो वहाँ जाके दोबारा आपको आगाह करेंगे कि हम ये जो सफ़र करके आए वो आगे जब पहुँचे तो वहाँ पे क्या था नज़ारा, वो आपके साथ शेयर भी करेंगे। हमारे साथ रहिए, अब तब तक आप ये वाला एक दरख्त में मिला है उसके ऊपर एक मौसमी लगा हुआ है, इसको देखें, और आता हूँ थोड़ी देर बाद, स्टे ट्यून, यहीं से आगे जुड़ेगा जहाँ पे मैं कट लगा रहा हूँ। थैंक यू सो मच जनाब, आप हमारे साथ हैं और हमारे साथ रहिएगा। ये छोटी सी ब्रेक हमने बीच में ले ली है, मजीद उसकी वजह यह
कि हमने वहां जाना है। कहां पे जाना है भला? ये नहीं, ऐसा मजा नहीं। जी हमने एक और छोटी सी बीच में टांका जोड़ लिया है सब दिखाने के लिए कि अभी हम ये जा रहे हैं, रास्ते में ही है। और हमने पता कहाँ जाना है? यहाँ जाना है, यहाँ पे जाना है। हाथ इसलिए रहा कि अभी मैंने रास्ता पूछा किसी से तो मैंने कहा कितना रास्ता रह गया, तो उन्होंने बहुत प्यार से कहा है सर बस आधा घंटा रह गया। तो इस बात पे हंसना ही बनता है कि जितना हम सफर कर चुके हैं वो तकरीबन आधे पौने घंटे, घंटा घंटा तकरीबन आधा पौना घंटा तो लगा ले आराम से, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि आधा घंटा रहता है तो जाना हमने ये सामने ये भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, ये उनका आधा घंटा है। हम जिस रफ्तार से जा रहे हैं और ब्रेकें लगा लगा के जा रहे हैं, पता नहीं कितनी देर में पहुंचेंगे, बट टेंशन नहीं लेनी, मैंने आपको यहाँ पे लेके जाना है। ये देखें दरख्तों के अंदर से मैंने आपको चीज जैसे नजदीक करके दिखाई है ना, वहां पे इसको नजदीक करके और दिखाऊंगा। ये हम जाएंगे, घबराना नहीं, हम जाएंगे, हम पहुंचेंगे इंशाल्लाह। आधा घंटा क्या, अभी घंटा और होता फिर भी जाना था, है भाई सिबाज भाई, हमने जाना था ना। वी हैव प्लान टू टच द ब्यूटी ऑफ चिल्ला का आप हजरत इमाम बरी सरकार, और इंशाल्लाह वहां पे जाके दुआ भी की जाएगी, खसूसी दुआ की जाएगी मेरे पूरे मोहब्बत वाले पाकिस्तान के लिए, पुरमन पाकिस्तान के लिए। अल्लाह ताला इसकी सरबुलंदी में इजाफा करे। और ये देखें थोड़ा सा इधर से भी व्यू दिखा दूँ आपको, ये देखें जी सूरज साहब भी हैं, वो आज ज़रा शर्मा रहे हैं बादलों के अंदर। ये है जहाँ की जो हम देखते जा रहे हैं अपनी आँखों से, आप कैमरे की नज़र से इसको देख कर थोड़ा सा महसूस हो लीजिए, और हम जो इस वक्त हालत महजूजी में है वो हम बयान नहीं कर सकते। और एक मोहब्बत भी है, सीधी सी बात है, मोहब्बत है तो हम जा रहे हैं, एक्सरसाइज भी है एक तरह से, हम हाइकिंग का भी एक तरह से कर रहे थे एपिसोड। फिर उसके बाद हमारे बड़े भाई शहबाज मुस्तफ़ा साहब ने कहा कि नहीं यार आज कुछ नया करते हैं जो हम नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं। यहाँ पर लोग मुसलसल आते हैं, ये जगह मैं आपको वही फोकस करके दिखा रहा हूँ, वहाँ पर जहाँ पर हम जा रहे हैं हम मुसलसल शायद ना जा लेकिन आज हम जाके आपको दिखा जरूर देंगे। हे हमारे साथ रहिए, कहीं मत जाइएगा, प्यार से। ये देखें आप, ये वाली पहाड़ी के नाम आपके नाम करके यहाँ पे मैं ब्रेक लगा रहा हूँ। साथ हैं जावेद गफारी आपसे मुखातिब हो, और वो कहते हैं ना इन पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ, वो आ गया। आपने याद किया और वो आ गया। और वो आ गया सर, मोहब्बत एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार है। ये जनाब आपको असल में दिखाना था कि ये है यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का ओनली जरिया, ये है जनाब। वो कहते हैं ना खोता अड़ गया, जी खोता अड़ गया जी, लेकिन उन्होंने तोड़ लिया ओदा जरा मालिक है ना, वो को अड़न का भी तोड़ है कि किए तोड़ना, इतना कोई मसला है सरकार, इतने कोई खास चीज पी है जिद। हाँ जनाब ये है वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जनाब शहबाज भाई इससे मतलब है हम किसी गलत ट्रैक से आए हैं। नहीं, सही है, देखो ना
इसी ट्रैक पे चलते हैं, ये ट्रैक सही है, ट्रैक के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है। जनाब हम इस रास्ते से जा रहे हैं लेकिन इसका अपना ही मजा है, सीधे सीधे रास्ते से आने का फिर क्या फायदा, मजा तो था बहना आप देखो शेर मुकम्मल हो गए इन पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ, ऐसे लोगों ने जूतियां भी टूटियां पड़ी हैं बेचारे। तो जब हम ये गाना गाते हैं तो आगे हमें क्या नजर आया था वो आपने देख लिया, तो ये मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा था कि ओके पेंदे किमें जी ओके पेंदे लम्बिया ने रामा इश्क दिया, हाय हूँ तो बस भी हो गई है लेकिन घबराना नहीं। ये जनाब ये देखें जी, ये हम वो जगह पे जाना, वाह 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 साहब जी, ये हम करीब हो रहे हैं पोतेला सा डरा गया कि पौना घंटा घंटा लगेगा, ओ भाई ओ भाई ऐसी कई घंटे गुजार के आ रहे सानू फिर पौना घंटा तुसी दस दे, लेकिन आपको याद होगा कि पीछे थे बहुत पीछे थे वो वाली जगह वो वाली बिल्डिंग नजर आ रही है, तो किसी ने कहा था आधा घंटा लगेगा, हाय अब हम बहुत आगे आ गए, तो अभी हमें कहा जा रहा है पौना घंटा लगेगा, ये आधा घंटा और पौने घंटे की जो गेम है ये समझने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और ये रास्ते अबूर करना पड़ेंगे, और जब आप ये रास्ते अबूर करेंगे तो आपको लगेगा कि आपने कुछ किया है, क्योंकि कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं, तो इन रास्तों पे चलेंगे तो अभी आगे पीछे ऊपर नीचे हो रहे हैं आपके परिसर जरा। अभी शहबाज भाई कह रहे थे कि हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में एक दिन अगर हम इतनी वॉक कर ले एक्सरसाइज कर ले तो 20 साल आपकी एज बढ़ सकती है, तो आप अंदाजा लगाएं कि ये फिर क्या है, ये तो फिर कुछ भी नहीं है। अब जब ये सोचेंगे कि इस तरह चल के हमें फायदा होने वाला है, दायमी फायदा होने वाला है, तो फिर आपको फायदा जरूर लेंगे, दायमी कवज नहीं था आप आश्रय में दायमी फायदे की बात कर रहे हैं। तो जनाब हम चलते चलते न जाने कहाँ आ गए, ये जाना है हमारी मंजिल सामने, साथ रहिए वहाँ पे भी दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अगर हम कहें कि हम यहाँ से आए बैक नोबडी कैन बिलीव आफ्टर ब्रेक, और अब ये जो ब्रेक है इसके मुताबिक हम बहुत 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 दूर हैं, तो सिर्फ 5 से 7 मिनट दूर हैं, लेकिन हम फिर भी सांस ले रहे हैं, बहाल कर रहे हैं अपना सांस, क्योंकि हम इस जगह से आए हैं, ये ऐसा जगह जाती 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 पता नहीं कैसे कैसे जाती, हमने हमने ये वाला जो पीस है वहाँ से हम पैदल आए हैं, और आप भी पैदल आई, हम तो इधर से पैदल ये जनाब जो इधर से आ रहे हैं वो भी उसी तरह ही उस शशोपांच में, जिस शशोपांच में हम हैं वो कहते हैं जी 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 बिल्कुल हम पैदल आए, ये वाला सफ़र है, वी डिड ग्रेट बिल्कुल, अगर है ना इधर से आने वालों का ये हाल है तो फिर आप सोचे हम इधर से आने वालों का क्या हाल होगा। तो ये जो ब्रेक थी ये ख़त्म हुई, इस ब्रेक के बाद हम आपको बताते चले कि अब ये मंजिल जो है वो दूर नहीं है जहाँ पर हमने जाना है, लेकिन लोग तो वो ऊपर भी वो पाई जाते गल मुकड़ी नहीं है मुख्तारिया गल उतर तक। तो जनाब हम जो कह रहे थे कि 5-7 मिनट का फासला, नहीं फासला अभी ऊपर है, ऊपर जाके फिर और ऊपर, फिर ऊपर जाके और ऊपर, ऊपर जाके और ऊपर, तो वहां तक हमने जाना है, लेकिन आपने घबराना हम जाएंगे इंशाल्लाह जाएंगे और आपको साथ लेके जाएंगे, आपने तो बिल्कुल डरे नहीं होना ना, इस रास्ते से आए हैं जनाब हम।